उसमें विस्लिंग साउंड आता है बाइक में, जो कि ट्रायम फेमस है विस्लिंग साउंड के लिए। कैफे रेसर है ये, बहुत ही प्रीमियम सेगमेंट में आती है, बहुत वन ऑफ अ काइंड बाइक है, बहुत ही कम लोग लेते हैं, मतलब वो लोग ही शौकीन चीज़ है। देखिए वो है 3 लाख स्टार्टिंग है, 3 लाख स्टार्टिंग मिलेगा आपको। लोकल एरिया चलाना हो, लंबा चलाना हो, बहुत ही कहीं भी चलाना हो, ये बाइक मुझे बड़ी पसंद है, मतलब मैंने बहुत बाइक चलाई है। ये है आपकी ट्रायम्फ की ट्रायम्फ 60। हम पैन इंडिया में बिजनेस करते हैं, हमारा पैन इंडिया डिलीवरी रहता है, और सारी बाइक ऐसा नहीं कि मैं कोई और बाइक दूर के लेके आया हूँ, आज जब मैं बाइक लिया तो बाइक भी खराब ही है, मेरी सारी बाइक कंपनी चेक बाइक। ये बहुत रेयर मिलती होगी बाइक आपको सुजुकी सिक्सर की, रेड कलर भी मिल। फाइनली हम लोग कहाँ पे आ गए हैं, क्रूजर्स प्लैनेट पे, प्रणय भाई के पास में फिर से एक बार आपको ले करके। काफ़ी सारा स्टॉक यहाँ पे अपडेट हो गया है जो कि आप देख सकते हो, और लास्ट टाइम वीडियो में भाई, लास्ट वाली वीडियो में हमें बहुत अच्छा प्यार मिला, तो इंट्रोड्यूस कराए देते हैं फाइनली। कैसे हो आप सब, और बहुत बहुत थैंक यू, आपने तो हमारी लास्ट वीडियोस को काफ़ी अप्रिसिएशन दिया, काफ़ी प्यार दिया, और ऐसी आप और वीडियोस आती रहेंगी जाती रहेंगी, ऐसी प्यार दिखाते रहिए, हम आपको और कंटेंट ला के देंगे, और बाइक्स ला के देंगे आपको, और अच्छे अच्छे स्टॉक, और अच्छा स्टॉक ला के देंगे। बस आपसे ये है रिक्वेस्ट कि आप ऐसी प्यार दिखाते रहिए, और हम और वीडियोज़ में बस लाते रहेंगे आपके लिए। तो ये बताइए आज का स्टॉक की अगर हम बात करें, क्या लेकर गए हैं पहले भैया? पिछली वीडियो से बात करूँ तो मैं आज उसके बाद हमारे पास काफ़ी स्टॉक बढ़ गया है, काफ़ी प्रीमियम चीज़ें आई हैं, काफ़ी रेयर चीज़ें भी लेके आया हूँ आपके लिए, जो कि धीरे धीरे वीडियोस में डिस्क्लोज होती रहेगी, एंड बहुत चीज़ें हैं। साउंड भी सुनाना है भाई पब्लिक को। साउंड तो आपका है, USP है, साउंड तो मैं जरूर सुनाऊंगा, उसमें कोई दिक्कत तो गाइस वीडियो आगे बढ़ाते हैं, अपने रिक्वेस्ट है बस वीडियो को आपने लास्ट तक वॉच करना है फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं करा है फटाफट से गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाकी वीडियो आगे बढ़ाते हैं बिना किसी देरी के। जिसकी लास्ट वीडियो में आप स्टॉक देख चुके थे हमारा, 650 थी, मॉन्स्टर थी, CB1000 रेयर बाइक, और आज आपके लिए लेके आए एक अपडेट, लेके आए स्टीट ट्रिपल RS का आ गया अपडेट हमारे पास, ट्रायम्फ की बाइक और इनलाइन 3 में आ गई है हमारे पास, बाइक में भी सामान अच्छा लगा हुआ है, बुगाटी स्कैम्बलर आ गई है हमारे पास, निंजा 1000 आ गई है, SX मॉडल द न्यू वन न्यू शेप, Z900 है, आज सारी डील मिलेगी आपको, सुजुकी में डील मिलेगी, जिक्सर 750, और बाकी हार्ले का क्राउड देखना ना, हार्ले का देखना स्टॉक भर के रखा हुआ है, आपको बस आना है पैसे लेकर ना ले जाओ, और पैसे वाला बाइक ले, बैग लेके आओ और सारी बाइक ले जाओ, और आपको मैं और सी वीडियोस में आपको और वीडियोस दिखाऊंगा, उसमें काफ़ी बाइक्स हमारे पास लास्ट वीडियो से काफ़ी अच्छी हमारे पास अपडेट आया है, और आज शुरुआत करते हैं स्ट्रीट ट्रिपल RS से, जो कि इनलाइन 3 सिलेंडर आती है, नेकेड स्पोर्ट्स में आती है, और इसमें आपकी स्ट्रीट ट्रिपल S आती थी, R और RS, ये टॉप एंड वेरियंट है, ये RS है टॉप का, टॉप एंड वेरियंट है इनलाइन 3 सिलेंडर में आती है नेकेड स्पोर्ट्स में, एंड इसके बारे में बात बताऊंगा पहले भाई, इसमें एग्जॉस्ट की बात सुने, साउंड कौन सा एग्जॉस्ट लगा हुआ है, एरो का एग्जॉस्ट लगा हुआ है इसमें, एरो लगा हुआ है, आपको मैं आवाज़ सुनाता हूँ इसकी, इसकी आवाज़ बहुत ही विस्लिंग साउंड आता है बाइक में, जो कि ट्रायम फेमस है विस्लिंग साउंड के लिए। कैसी लगी आवाज़ इसकी? ट्रायम का बेसिक फंडा एडवांटेज ये इसकी इनलाइन 3 का जो विस्लिंग साउंड है उसके लिए ही फेमस है ये बाइक, एंड इस बाइक के बारे में बात करूँ तो ये MH पासिंग है, MH नंबर 2018 का मॉडल है, बाकी इसके बारे में जो भी डिटेल्स है आपको नंबर मेंशन है, प्लीज़ कॉल करना उसमें आपको मिलेगा। ये मेरी वन ऑफ माई फेवरेट बाइक्स हैं, Ducati स्कैम्बलर 800, बड़ी फन लविंग बाइक है, बहुत ही मस्त लगती है, चाहे सिटी में राइड कर लो बाहर राइड कर लो, एंड बड़ी यूनिक सी बाइक है, मतलब Ducati में लोगों को लगता है कि अनकम्फर्टेबल होता है या कुछ इसको लोगों को इशू लगते हैं, ये बहुत बाइक कम्फर्टेबल है, ये ऑल मैं मानता हूँ ये बाइक ऑल पर्पस है, एंड इस बाइक के बारे में करूँ तो ये Ducati स्कैम्बलर 800 डार्क एडिशन है, डार्क एडिशन है इसमें, ये आपका 2020 का मैन्युफैक्चर्ड है और 21 रजिस्टर्ड है, सिंगल ओनर है, एंड चली भी आपकी समवेयर अराउंड 13,000 चली हुई है, आप देख सकते हैं किलोमीटर भी देख सकते हैं आप, लाइव दिखा रहे पब्लिक, हाँ लाइव दिखाओ, हम कुछ जो होता है सबके सामने होता है आपके, जेनुअन 1121 किलोमीटर, ये जेनुअन चली हुई है आपकी विद कंपनी मेंटेन के साथ, कंपनी रिकॉर्ड है, बिल्कुल नॉन एक्सीडेंटल बाइक है आपकी। जो प्राइसिंग की बात करें इसके, वी आर आस्किंग 7 लाख रुपीज़, 7 लाख रुपये में, और गुजरात पासिंग है, सिंगल ओनर। गाइस आप जो मेरे सामने देख रहे हैं ये बाइक है Kawasaki Ninja 1000 SX द न्यू शेप, और मेरे ये वन ऑफ द मोस्ट कम्फर्टेबल स्पोर्ट्स टूरर है, जिन्होंने बाइक चलाई, जिन्होंने बाइक रखी है आगे उनसे भी पूछेंगे, इसका रिव्यू हमेशा ऑल गुड ही रहता है हमेशा, इतनी क्लीन कंडीशन में बाइक मिलती है, और बाइक बहुत कंफर्टेबल है, इनलाइन 4 है, स्पोर्ट्स टूरर है, एंड ये बाइक फुली स्टॉक है, बस स्क्रैच गार्ड लगे हुए हैं आपके,
एंड बाइक पूरी मेंटेन है विद कंपनी रिकॉर्ड है। ये आपकी 2020 का मॉडल है, 2020 मैन्युफैक्चर्ड है, 20 रजिस्टर्ड है, वेस्ट बंगाल पासिंग है एंड 13,000 चली हुई है विद कंपनी रिकॉर्ड, वेस्ट बंगाल का पासिंग है। तो बाइक पूरी मेंटेन है। बाकी सर जो भी प्राइसिंग के जितनी मैंने बाइक आपको प्राइसिंग के बारे में बताया, जिसको प्राइसिंग के बारे में कोई भी हो या बाइक को लिए कोई भी इशू आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, नंबर मेंशन है, प्लीज़ आप हमें कॉन्टैक्ट करिए और कभी भी हमें कॉन्टैक्ट करिए, कोई इशू नहीं है। सारे बाइक इसका आपकी मोस्टली तो हमने बाइक दिखाई आज वीडियोस में, बाइक दिखा रहा हूँ मैं आपको, सबका प्राइस ऑन रिक्वेस्ट रहेगा। हमारे पास दो नेकेड स्पोर्ट्स जी नौ सौ के साथ मैं जिक्सा 750 की बात भी करूँगा, आज हमारे पास दो बाइक्स आई हैं नेकेड स्पोर्ट्स में एंड दोनों इनलाइन फोर सिलेंडर्स हैं, दोनों का अलग अलग एक अपना एक प्रीमियम एक अपना बेस बना हुआ है। जी 900 की बात करो तो किसको नहीं पसंद जी 900, सबको जी 900 पसंद, नी 900 पसंद है। एंड इसके बाद में एग्जॉस्ट तो लगा, ये सुनाना तो पड़ेगा पहले, इसमें एससी का एग्जॉस्ट लगा हुआ है हाँ, और पहले इसको पहले सुनाता उसकी आवाज़। के बारे में बात, साउंड के मजे लेने हैं, साउंड के मजे लेने हैं आपको, इनलाइन फोर के मजे लेने हैं, तो ये बाइक से कंफर्टेबल बाइक है नहीं। ऊपर से नेकेड स्पोर्ट्स है, उत्तराखंड पासिंग है और ये आपका TFT स्क्रीन वाली है, ये नया शेप है, न्यू शेप है, TFT स्क्रीन वाली है। किलोमीटर की बात करूँ तो 7900 चली हुई है, 7900 किलोमीटर चली हुई है विद कंपनी रिकॉर्ड के साथ। इसके बाई भी अगर इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है आपके सब नंबर डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं। और सारी बाइक्स जिसको बाई करनी है प्लीज़ आपका एक ही है होम टू ऑल योर कंक्लूजन, क्रूजर्स प्लैनेट हमारा वन स्टॉप सॉल्यूशन, क्रूजर्स प्लैनेट यूज मोस्ट कंफर्टेबल मोस्ट यूनिक आपकी मतलब मोस्ट आपकी सारी जो प्री ओन बाइक्स है हमारे पास, ऑलमोस्ट 100 बाइक्स का स्टॉक है हमारे पास इस टाइम पे, लिटरली पूरे इंडिया में 100 बाइक का स्टॉक नहीं है, हमारे पास 100 बाइक का स्टॉक है पूरे 100 बाइक्स, मोर देन 100 सुपर बाइक्स ये बहुत रेयर मिलती होगी बाइक आपको सुजुकी जिक्सर की। रेड कलर भी मिलता है और ये बाइक बहुत रेयर है, 2018 का मैन्युफैक्चर्ड है, 2019 रजिस्टर्ड है, सिंगल ओनर है, सिंगल ओनर है और चली भी सिर्फ 7,000 किलोमीटर है। और सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है, दिल्ली नंबर है, ये DL पासिंग है और विद कंपनी रिकॉर्ड के साथ नॉन एक्सीडेंटल बाइक है। प्राइसिंग के बारे में मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा, ऑब्वियसली बात है फॉर सम रीजंस, पर स्टिल आपको कोई भी बाइक के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कुछ भी पता करना हो, नंबर डिस्क्रिप्शन में सारे नंबर डिस्प्ले फ्लैश होंगे तो आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। आज होगी इनलाइन फोर की बातें, अब मैं आपको दिखाता हूँ इनलाइन थ्री में, सिटी बाइक रेसिंग में नेकेड इनलाइन थ्री में लोकल एरिया चलाना हो, लंबा चलाना हो, बहुत ही कहीं भी चलाना हो, ये बाइक मुझे बड़ी पसंद है, मतलब मैंने बहुत बाइक चलाई है। ये है आपकी ट्रायम्फ की ट्राइडेंट 660, ये आपकी इनलाइन थ्री नेकेड स्पोर्ट्स में आती है। इस बाइक के बारे में बात करूं तो ये आपका राजस्थान पासिंग है, आरजे पासिंग है, आरजे नंबर पासिंग बढ़िया मिल सकती है आपको, आरजे नंबर भी डील मिल सकती है। और जो मेरा आरजे मैं वह पूरे पैन इंडिया बाइक परचेज करता हूँ, पैन इंडिया की बाइक सब मिलेगी मेरे पास, हर जगह हर स्टेट का बाइक मिलेगा मेरे पास। हम लोग एक जगह पे रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि हम लोग को ऐसी बाइक चाहिए, हमारा जो बेस है पैन इंडिया है, हम पैन इंडिया में बिजनेस करते हैं, हमारा पैन इंडिया डिलीवरी रहता है। और सारी बाइक्स ऐसा नहीं है कि मैं भाई और की बाइक दूर की लेके आया, आरजे नंबर बाइक ले तो बाइक पे खराबी है, मेरी सारी बाइक कंपनी चेक बाइक होती हैं, एक एक का सर्विस रिकॉर्ड मिलेगा आपको, नॉन एक्सीडेंटल बिल्कुल हिस्ट्री। बाइक की मैं बात करूँ तो मैं आपको, ये है ट्रायम्फ की ट्रायम्फ 660, आरजे पासिंग है, 2021 मैन्युफैक्चर्ड है, 2022 रजिस्टर्ड है, सेकेंड ओनर है और 13,000 चली हुई, 13,000 चली हुई है, 13,000 चली हुई विद जेन्युइन कंपनी रिकॉर्ड। एंड एक्सेसरीज की बात में बात करूँ तो काफ़ी लोडेड आते हैं, देख सकते हो विंडस्क्रीन लगी हुई है, फोर पेटर्स लगे हुए हैं, एडिटर ग्रिल लगी हुई है, कैश गार्ड लगे हुए हैं और एग्जॉस्ट लगा हुआ है। और एग्जॉस्ट की बात करो तो सुना तो पड़ेगा, एग्जॉस्ट साउंड तो सुनेगा, और मैं पहली बताऊँ इसकी आवाज़ ने हिल जाओगे आप इसकी आवाज़ सुन के, ये बाइक लगती छोटी है, इसकी आवाज़ सुनाता हूँ मैं आपको। बड़ा दिमाग का इसकी आवाज़, ज़्यादा रेव करेंगे तो पहली आंटी आ जाएगी, आंटी का प्रॉब्लम हर जगह है बोलते ना, क्या करें आंटी की प्रॉब्लम है। एंड बाइक करनी है तो आपको पता ही, आपको कहाँ आना पड़ता है, क्रूजर्स प्लैनेट आपको आना पड़ेगा, या हमारे इंस्टा पे फेसबुक पे हमारे सब डिटेल्स अवेलेबल हैं और सारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं आपके पास। एंड आपको चलते हैं गलियों की महारानियों में, स्ट्रीट 750 भर के हमारे पास कोई लिमिट नहीं स्ट्रीट 750 की। हमने सोचा कि क्यों ना जो हमारे भाई लोग स्टार्ट चाहते करना बाइक्स के बारे में, क्यों ना उनके लिए भी ऑप्शन लेके आए हमारे पास। जैसे कि आप देख रहे हैं भर के सामान है, स्ट्रीट 750 है, स्ट्रीट रॉड है हमारे पास अवेलेबल, जो स्टार्टिंग रेंज हमारे पास स्ट्रीट 750 की रहेगी वो है 3,00,000 स्टार्टिंग है, 3,00,000 स्टार्टिंग मिलेगा आपको। एंड ये वाली जो स्ट्रीट 3,00,000 की जो स्टार्टिंग बाइक है वो ये वाली है, ये आपका 2016 का मॉडल है,
थर्ड ओनर दिल्ली नंबर है। बाइक पूरी मेंट कंडीशन में है, बिल्कुल पैक्ड बाइक है। आप आइए, चला के देखिए, पसंद आती ले जाइए बाइक। ये स्ट्रीट सारी अलग अलग मॉडल है हमारे पास, जो स्ट्रीट 750 का अवेलेबल मॉडल है वो 2016 से लेके 2020 तक का मिलेगा आपको, विद कंपनी मेंटेन, सबको रिकॉर्ड के साथ। एंड जिनको स्ट्रीट 750 से मतलब स्ट्रीट रॉड भी चाहिए हमारा, वो भी अवेलेबल है, जैसे दिखा सकते हैं स्ट्रीट रॉड भी काफ़ी अवेलेबल है, सब अच्छी प्रीमियम कंडीशन में। वाइट बहुत कम देखा होगा आपने, वो भी अवेलेबल है हमारे पास। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, मैं आपको एंड में दिखाऊंगा, सबसे यूनिक चीज़ दिखाऊंगा बहुत। आप आइए देखिए, ये शायद ही बहुत लोगों ने कम देखी होगी बाइक, आपने खुद देखी, बहुत ही कम बाइक है ये। वन ऑफ द रेयरेस्ट बाइक है जो आपको देखने को मिली होगी। हमने डुकाटी स्क्रैम्बलर देखी, ये डुकाटी स्क्रैम्बलर की कैफे रेसर है। ये बहुत ही प्रीमियम सेगमेंट में आती है, बहुत वन ऑफ अ काइंड बाइक है, बहुत ही कम लोग लेते हैं, मतलब वो लोग ही शौकीन चीज़ें हैं, जिनको भी कैफे रेसिंग करने का शौक आता है उन लोगों की ये बाइक बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। रोड पे बहुत कम मिलती है, क्योंकि जिस पे है वो लोग आते ही है। डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो 2017 का मॉडल है ये, 17 मैन्युफैक्चर, 18 रजिस्टर्ड है, सेकेंड ओनर है, और हरियाणा का पासिंग है ये, HR पासिंग है। एंड सामान में इसकी एक्सेसरीज की बात बात करूँ तो उसमें क्रैश गार्ड लगा हुआ है, एक्सल नट्स लगे हुए हैं, और उसमें टर्मी का एग्जॉस्ट लगा हुआ है, कंपनी फिटेड टर्मी, ये कंपनी फिटेड टर्मी का एग्जॉस्ट लगा हुआ है, जेनुअन लगा हुआ है। एंड काफ़ी मेंटेन बाइक है, पिस्टन कंडीशन में, नॉन एक्सीडेंटेड बाइक है। किलोमीटर चली है 17,000 चली हुई, 17,000 किलोमीटर पर दिखा देता हूँ आपको मैं, आप देखिए पूरे एग्जैक्ट 17,000 चली हुई है, 17,000 चली हुई है, कंप्लीट रिकॉर्ड, नॉन एक्सीडेंटल, विद कंप्लीट सर्विस हिस्ट्री। अब स्टार्ट तो करनी है, कोई टर्मी का है, कैसी लगी आवाज़ इसकी आपको कमेंट्स में ज़रूर बताना, आवाज़ कैसी लगी आपको, इसकी अच्छी आवाज़ लगी, इनलाइन फोर की आवाज़ लगी आपको अच्छी, या उसकी पीछे वाली, या आपको ट्रायंड की आवाज़ अच्छी लगी आपको, ज़रूर कमेंट में बताइए आपको किस बाइक की आवाज़ अच्छी लगी, और आपको कौन सी बाइक सबसे अच्छी लगी, और ऐसी बाइक सको आपको और देखनी हो। और इसके बारे में अगर की प्राइसिंग के बारे में बात कराऊँ तो ऑन रिक्वेस्ट प्राइसिंग है, नीचे नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप करिए कॉन्टैक्ट करिए, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस, और कोई भी बाइक के बारे में, और कोई भी बाइक की जितनी हमने बाइक दिखाई आपको, जो हमारा एड्रेस है वो है क्रूजर्स प्लैनेट G180 ग्राउंड फ्लोर, जो कि नारायण विहार में पड़ता है आपका। एंड अगर आप जिसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है, अगर आप लोहा शारीपुर डिपो से आ रहे हैं तो लोहा मंडी का फ्लाईओवर क्रॉस करते ही जस्ट हमारे लेफ्ट में पड़ता है शोरूम। एंड अगर दिल्ली कैंट से आ रहे हैं तो लोहा मंडी का जो फ्लाईओवर है वो चढ़ने से पहले आपका लेफ्ट हैंड शोरूम बनता है। और ऐसी आपको और वीडियोस देखनी है, देख और कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसी प्यार दिखाते रहिए साहिल भाई की वीडियोज़ में। एंड आपके लिए हम और वीडियोज़ लेके आएंगे, और बाइक्स लेके आएंगे, और फन करेंगे बाइक में, इसके ऐसी प्यार दिखाएंगे तो हम आपको और भी कंटेंट लेके आएंगे। ये शोरूम का वीडियो है, कल को हम आपको और भी कंटेंट लेके आएंगे, और भी क्रिएटिविटी करेंगे भाई के साथ। और थैंक यू गाइस, सी या, खत्म।